गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी पटक 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 की आवाज सुनाई देखे, तो सुन लो, सुन रही है ना, ये होगी बारिश की आवाज। ये यहाँ पे आ रही है भाई, बारिश आ रही है, बहुत देर होगी बारिश आते आते। देखो अंदर भी दिखा देता हूँ मैं, अंदर इस साइड की आज मतलब बारिश है, मतलब मेरी वाली साइड के। और यहाँ पे कट्टा है ना हमारी खिड़की पे, उस पर बारिश गिर रही है, पटक 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 ऐसे कर रही है। और मम्मी और बैठे हैं अंदर, क्योंकि मम्मी जी पढ़ रही है कमेंट। तो गाइस, बारिश कम होने की वजह ज़्यादा तेज होती जा रही है, तो अच्छी बात है। तेज जितनी बारिश तेज आएगी उतनी एक बार सारी गर्मी वर्मी सब चली जाएगी। तो अब ठंड के मौसम आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगस्त सितंबर लग चुका है, सितंबर क्या 2 तारीख हो चुकी है। तो अच्छी बात है, बारिश जितनी तेज आएगी उतना अच्छा रहेगा। मच्छर तो आएंगे एक बार, लेकिन ना वो चला जाएगा, गर्मी ख़त्म हो जाएगी, रात को सोने में ना दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि गर्मी कूलर के कारण, कूलर चलाते हैं तो गर्मी इतनी भयंकर हो जाती है, इतनी भयंकर, क्योंकि हमारा कूलर हवा नहीं देता, ठंडी गर्म हवा देते हैं ये भी। तो भाई, जैसे आप लोगों ने बोल रखा है, अगर दुश्मन भी घर आ जाए ना तो उसको भी धक्के मार के नहीं निकालते। तो भाई, जो आपने किस किस ने देखा धक्के मार के निकालते, अगर किसी ने अच्छी तरह लोग देखा हो सुना हो, तो हम वहीं पे थे, हम कहीं दूर नहीं थे। तो हमने पहले इसका रिएक्शन देखना था, भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। तो अगर मैं सारी बातें जो इन्होंने वहाँ बोली है ना, अगर सारी बातें बताऊँ ना, तो किसी और की ज़िंदगी पर डिफेक्ट नहीं पड़ता, वो भी हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, क्योंकि मैं इनकी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करना चाहती। और आपने खुद ही देखा होगा, कल इंस्टाग्राम पे इन्होंने वीडियो डाली थी, अगर किसी बंदे ने सुधरना, अपने बच्चों से मिलना, अपना घर बसाना है, तो वो इतनी घटिया लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करते। और इन्होंने मेरी मम्मी के सामने भी घटिया लैंग्वेज यूज की है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसी की बातों का फालतू जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा, जो आप कह रहे हो ना भाई, आप चले जाते, मैं चली जाऊंगी, कौन गारंटी लेता, कौन गारंटी लेता है भाई, ये वापस जाने के बाद वही काम दोबारा नहीं करेंगे। और मैं कोई अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं आई थी, मैं यहाँ पे खुश भी नहीं हूँ, आप लोग समझ जाओगे, मैं खुश हूँ, खुश रह कर दिखाना पड़ता है, क्योंकि गई बार बार रोके भी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। और एक महीना हो गया आए हुए, एक महीने में किसने संभाला इनको, ये बताओ आप। हम ही फोन करते हैं, हम ही पूछते हैं, अब बेटा ये काम करवा दिया, अब ये बैलेंस डलवा दिया, अब ये करवा दिया, मेरा बुखार है, ये कर दे वो कर दे। इस महीने भी मैं भी हमने 5-6 हज़ार रुपये इसका खर्चा भेज रखा है। तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे ऐसे टोंट मत मारो जो मार रहे हो। और एक है प्रिया जांगड़ा जी, जब माँ चंडाल है तो बेटी को तो होना ही था। तो प्रिया जांगड़ा जी, मैं आपको बता, चंडाल होगी क्या, तो तू होगी कतरी माँ होगी, ठीक है। अगर मेरी माँ ने कुछ बोला है, मैंने कुछ बोला है, तो इन्होंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, इन अपने अपनी तो बता दी, ऐसे थे तो ये मेरी माँ की भी, मेरी भाभी की भी, वहाँ पे जो भी था उसकी रिकॉर्ड करते फिर बताते, ठीक है। और हमने इतनी पहचान है, इतना ज्ञान है हमने, भाई बिना बाप के क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि मेरे भी बाप नहीं है। पर ये थोड़ी होता है सारी उम्र हम ही टॉर्चर अपना सहन करते रहे। आप अगर शादीशुदा, तो मैं कहूँ भगवान ऐसा करे, आपका पति आपको इतना टॉर्चर करे जितना मैंने सहन किया ना, उससे कम ही करे, फिर मैं आपको बताऊंगी एक भाई आप कितने सहन कर सकते हो, ठीक है। और एक किसी और ने कमेंट किया है, यूजर नाम से आया हुआ था कमेंट, अगर रिश्ता ही तोड़ दिया तो सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों डालते हो। आपने देखा था मैंने रिश्ता तोड़ दिया, मैं सिंदूर भी लगाती हूँ, मैं मंगलसूत्र भी डालती हूँ, अगर नहीं डालती नहीं लगाती तो आप लोग ये भी कहते हो आप बिंदी नहीं लगाते, आप सिंदूर नहीं लगाते, ये है वो है, अच्छे कमेंट करने वाले भी बहुत ज़्यादा। तो मैं सारे काम करूँगी, क्योंकि मैंने रिश्ता तोड़ा नहीं है, ठीक है। हमारी सिर्फ यही भगवान से अरदास है भाई, ये थोड़े रिश्ते को समझे, अपना कौन है पराया कौन है इस बात को समझे, ठीक है। और जो अभी आप कह रहे हो ना ये सुधर गए, सुधरे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ इन्होंने बैठ के बात की है तो 1% भी ये नहीं लग रहा था ये सुधर गए। मैं सारी बातें नहीं बताना चाहती भाई, हम तो ये तो मेरी मम्मी को इन्होंने ये बोला भाई थम के सोशल मीडिया पर हो, हम तो सोशल मीडिया पर हो, हाँ हमने तो मीडिया को दिखाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता। तो मैं कुछ भी मीडिया को दिखाने के लिए नहीं करती, मैं जो है सामने वही करती हूँ। 4 महीने हो गए गाइस हमने आए, 4 महीने 5 माह लग गया है, 4 महीने में अगर बंदा पहली बार आ गया बच्चों से मिलने, सिर्फ आधा घंटा में उसने सारे फैसले करने थे, सिर्फ आधा घंटा में भाई ये है वो है, इसने अपनी तो सब कुछ कह दी, सामने वाले की कुछ सुनने की हिम्मत नहीं, अगर कुछ बोल दिया तो मैं थारक दे आऊँ को नहीं।
और मेरी लैंग्वेज पर बात उठा रहे थे भाई, वो ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है। एक बार रिकॉर्डिंग करके ये बता दे मैंने क्या बोला। हाँ उनका फोन आया था, मान लग रहा हम खा जाओ ठीक है। और जो इसके पापा ने मेरे साथ मेरे परिवार के साथ कर रखी है ना, अगर उन बातों ने याद कराना है तो ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वो घर ने भी नहीं घुसने देते। मेरा खुद भतीजा लेने भी गया, छोड़न भी आया है। घर क्या ने ये भी कही है भाई रात ना रुको, बच्चा तो भी मिलवाओगे, सारे काम करांगे, ये नहीं है। इसने कह दिया तुरंत काम हो गया। अगर कोई ऐसा समझदार है जिसके घर में ऐसी बात बीतती है तो उसके घर में सुरझेड़ा भी होया, पंचायत भी हुई है, उसके रिश्तेदार घर परिवार के सब आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ इसका कोई नहीं है, कोई इसके आगे पीछे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ आने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि इसके परिवार को ना तो इसकी ज़रूरत ना भाई हमारी ज़रूरत, सीधी बात ये है। इसका परिवार चाहता नहीं इसका घर बसे, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर इसने एहसास होगा तो इस बात का एहसास हो जाएगा भाई इसके परिवार वाले इसके घर वाले इसने क्या शिक्षा दिया करते और मैं इसने क्या शिक्षा दिया करती और मैंने कितना सहन किया, कितना टॉर्चर किया। मेरे को जो गलिया मैंने बजा बजा के मारा करता ना, मैंने सब कुछ याद है भाई। जो ये एक सेकंड मैंने कह दिया करता इतने पैसे दो, घर में नहीं होया करते हम, वे भी ला कर दिया करते। अगर इसके इतना भाई मेरा कितना परिवार बड़ा हो गया, हम कितना खावा, हाँ ये समझ में नहीं आ रही मेरी। इसका भाई तो कह रहा मैंने खर्चा दिया सारी उम्र, चल दिया है, मैं मान लूँ उसकी बात में कोई गलती नहीं। कितना दे दिया, 10,000 5,000, हाँ जिब से हमारा ब्लॉग शुरू होया तो 20,000 मिला हमने, ठीक है। इसकी बहने ये कह कट्टे बरबर काम दे क्या, यहाँ यो काम हम न पाले तो मेरे बालक आज लग बने कुछ क्यों नहीं, क्यों मेरे बालक का शरीर में कुछ खाया पिया नहीं देता, क्यों हमारी ऐसी हालत है। अगर मैं यहाँ आके किसी के साथ रह रही हूँ तो मैं बहुत खुश होती, मेरे चेहरे की रौनक अलग बताती। मेरे 25 दिन हो गए बुखार से, डर टाइफाइड हो रहा, मलेरिया इंस्पेक्शन, मैंने तो एक बार भी फ़ोन करके ये नहीं कहा मेरा यह दिक्कत हो रही है आप पैसे डलवा दो। इसने जब भी जरूरत पड़ी अब मेरा बुखार हो रहा है इतने दे दो, अब मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं, रिचार्ज करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। कल भी आने से पहले हमने रिचार्ज करवाया इसका फोन। तो गाइज मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ आप बिना देखे ऐसा कुछ ना बोलो, या तो आप मेरी जगह आके देखो, मेरे बच्चों की जगह आके देखो। अगर इसने बच्चों से मिलना था ये कहते हैं मैं तो यहाँ बैठ गया और मैं मेरे बड़का तो मिलकर जाऊँगा, चीका दे भी मिलवाऊ, ठीक है। ये 7:30 बजे हमारे बस स्टैंड पर पहुँचे हैं, मैंने बच्चे भी भेजे लेने के लिए, ये 7:45 बजे हमारे घर गए हैं, 15 मिनट इन्हें बात करिए, 8:30 बजे हमारे घर से रवाना हो चुके थे। ये लगा लो 10-15 मिनट में इसने सारे फैसले कर लिए, ठीक है। ऐसा तो कोई भी परिवार नहीं होगा अभी जिसका घर उजड़ गया हो तो उसने एक करने की ना सोचे, मैंने तो ऐसा कोई भी परिवार नहीं देखा होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना इनके घर के भी सी और, तो इसका मतलब ये है मेरे घर के भी मेरे तो दूर हो, जैसे इनका परिवार ना छोड़ दी, इसने छोड़ दी मैं, मतलब कोई मेरा हालचाल नहीं पूछना, मेरे बच्चों का हालचाल नहीं पूछना, क्या क्या मतलब बीतती है। जिस कल इसने ये पता लगाया ना भाई रात ने वापिस गया है, कैसे गया है भाई, क्या सन उस दिन रात को हम निकले थे ना बाहर, हमने भी पता हम कहाँ बैठ के गुजारा किया था, दूसरे दिन हमारे घर वाले में पता चला था, ठीक है। और आप लोगों को इस बात का पता भी है, ठीक है। इसने एक घंटे में ये कह दिया मेरे को घर बच्चों से मिलने नहीं दिया, मैं परेशान था, ये था वो था, मेरा मन खुश हो जाता, मैं पहले परेशान, आप अपनी हरकतों से परेशान हो, मैंने कोई परेशान नहीं कर रखा है और आपके लिए मैं परेशान हूँ अगर आपने इस बात का बेरा हो तो। हम गली मोहल्ले में फ़ोन करके पूछते हैं भाई ठीक है नहीं है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। 5 महीना में पहली बार अगर कोई 10 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए मिलने आ गया तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को बच्चों से मिलने नहीं दिया। तो गाइज थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करो। और एक जो सुरजीत नाम का बंदा ना जो ये कमेंट कर रहा है ये कह रहा है अगर इतने खराब होते पहले छोड़ देते, तो मैं ये कह रही हूँ अगर भगवान करे तेरी बहन को कोई छोड़ दे, तेरी बेटी को कोई छोड़ दे, और जब पता लगेगा आपको कौन छोड़ता है कौन नहीं, मैंने ना तो छोड़ दे है ना और, ठीक है। और बोला जब तक पैसे थे जब तक तो खाते रहे, पैसे खत्म हो गए, तू देख गया था कि पैसे तने कितने पैसे गलवा रखे हमारे खाता में, जो हम खाते रहे और पैसे खत्म हो गए तो हम चले गए। तो मैंने तेरे बार बार बहुत से कमेंट देख लिए, तू हर बार गंदे कमेंट करता है, तेरी बाण बेटी पकड़ कर देख ये कमेंट फिर पता लगेगा तेरे, ठीक है।
और आगे से बोलिए, फिर उस बात का मैं देऊंगी तेरे को जवाब। तो गाइज बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, थोड़े सोच समझ के कमेंट करो। मेरे को लगेगा भाई ये बिल्कुल ठीक है, सुधर गए, क्योंकि कल जो इसने बात करी है ना मेरे घर वालों के साथ, उस हिसाब से 1% भी इनके मन में ये नहीं है भाई मैं मिलने गया था, मेरे को मिलने नहीं है।